अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो टेलर सीरीज़ देखेंगे कि वो कॉर्नर डिटेक्शन में किस तरह इस्तेमाल होती है। इसी को हम हैरिस कॉर्नर डिटेक्शन भी कहते हैं। तो पीछे जो हमने पिछली वीडियो में जो हमने मैथमेटिकली फार्मूला ड्राइव किया था एक डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस निकालने का, वही हमने ये ड्राइव किया था। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये वाली टर्म है इसके ऊपर मैं टेलर सीरीज़ अप्लाई करने जा रहा हूँ। टेलर सीरीज जब इस पर मैं अप्लाई करूँगा तो ये इस तरह का आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि ये सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। आई आई स्टैंड फॉर यहाँ पे इमेज है, एक्स प्लस आई कुमा वाई प्लस जे प्लस यू इंटू आई का इमेज का डेरिवेटिव, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन, फिर इमेज का डेरिवेटिव इन वाई डायरेक्शन। ये आई एक्स क्या है, ये जो आपने इमेज है, ये जो आपकी पूरी इमेज जो हमने पिछले कॉर्नर डिटेक्शन में देखी थी, इस इमेज का डेरिवेटिव है इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और जो आई वाई क्या है वो इसी इमेज का डायरेक्शन है, इसी इमेज का डेरिवेटिव है इन वाई डायरेक्शन। तो हमने इसको एक्सपेंड करके थ्रू टेलर सीरीज हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस वाली पूरी इक्वेशन को मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। तो वो मैंने ये पूरा यहाँ पे डेरिवेशन यहाँ पे की है, ये आप जो है वीडियो को पॉज करके ये देख सकते हैं कि ये किस तरह ये कैलकुलेशन हो रही है। तो एट द एंड जो है ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो बच जाएंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू जो है मेरे पास, ये दोनों आ गई, यानी कि आई एक्स और आई वाई वाली वैल्यू आ गई हैं और बाकी जो सिंपल इमेज वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे कैंसिल हो गई है। अच्छा, ये जो सिग्मा का निशान है ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ये क्या है, ये समेशन इन विंडो है, यानी यूक्लिडियन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक विंडो, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि आई इक्वल टू -1 to 1, जी इक्वल टू 1 to 1, वो इस तमाम विंडो को ट्रैवर्स करने के बाद इस विंडो के साथ जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस है। यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है वो हम पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस को मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरह नहीं लिख रहा, यानी कि मैं जो आई इक्वल टू -k to k, यहाँ पे क्या है, विंडो साइज़ है। विंडो साइज़ अगर आपका 3 होगा तो k की वैल्यू -1 0 1 होगी। ठीक है, इसी तरह अगर विंडो साइज़ आपका 5 होगा तो ये -2 से -2 1 0 1 1 और 2 ये होगी। ठीक है, तो के की ये वैल्यू जो कि आपके विंडो साइज़ से वेरी कर रही है, मैं जेनरिक लिख रहा हूँ। इस सूरत में चूंकि हमारा विंडो साइज़ 3 था तो इसलिए ये -1 से 1 तक जाएगी। तो अगर हमें जेनरिक लिखना हो तो मैंने कहूँगा -k से k तक। ठीक है, तो इस पूरे को मैं सिंपली किस तरह लिख रहा हूँ, समेशन ओवर अ विंडो, यानी कि इस विंडो का इस पूरी विंडो के साथ जो डिफरेंस है उसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। और जब मैं यहाँ से ये निकालूंगा तो यहाँ से जो एक्स आई है आई और जे जो हैं इसको भी जो है मैं वो ख़त्म कर दूंगा। तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा, इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि डी डिस्टेंस ओवर अ विंडो इन अ डायरेक्शन यू कोमा वी इक्वल्स टू, ये आपका समेशन जो कि ये पूरा था इसको मैंने किस फॉर्म में लिख लिया, अब सिंपली इस समेशन की फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ से जो एक्स प्लस आई है वाई प्लस जे है उसको मैंने नहीं लिखा, सिंपली मैंने क्या कह दिया है आई एक्स, और यहाँ पे मैंने ये पूरा नहीं लिखा बल्कि मैंने क्या कह दिया है आई वाई। ठीक है, जब मैंने समेशन ओवर विंडो कह दिया तो इसका मतलब यही है कि एक्स प्लस आई वाई प्लस जे उसका पूरा स्केयर, और जिसमें आई जो है कहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करेगा, -k से लेके +k तक, यानी कि दोबारा अगर हम पीछे देखें यहाँ पर तो इस सूरत में क्या होगा कि आई की वैल्यू यहाँ पे -1 यहाँ पे भी -1, तो इस पूरी विंडो का जो है वो अगर आई की वैल्यू मैं -1 से लेके 1 तक वेरी करूं तो मैं ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सेस कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो जब मैंने आई एक्स कहा ओवर आ विंडो, तो मैंने ये कहा कि जितनी भी विंडो है, जो भी आपने विंडो सेलेक्ट की है उस विंडो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का आपस में क्या कर दो, समेशन ले लो, उन तमाम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, ये मतलब है इसका आई एक्स का। इसी तरह आई वाई का भी यही मतलब है कि जो भी आपने विंडो सेलेक्ट की है उसके तमाम नेबर्स में आप मूव करो और तमाम वैल्यूज़ का जो सम है उसको आप ऐड कर लो और मुझे एक वैल्यू दे दो। ठीक है, अच्छा जी, और यू वी क्या है, यू आपकी डायरेक्शन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आप अपनी विंडो को मूव कर रहे हो वो आपको यू, मैंने यू वी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बता दिया हुआ था कि ये आपका यू वी, अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हो तो यू आपका 0 1 है, अगर इधर जाते हो तो जो आपका वेक्टर है डायरेक्शन वेक्टर है वो 0 कमा -1 है, इन केस ऑफ 3x3 की विंडो। ठीक है,
अब क्या किया मैंने, इस पूरे को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया, यानी कि यू कोमा वी आई एक्स आई वाई, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों आपस में ऐड होंगे तो ये वापस ही आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, चूँकि इसका स्क्वायर है तो मैंने इसको दो दफ़ा लिख लिया, ठीक है, दो दफ़ा लिख लिया मैंने। देन उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो एट टी एंड मेरे पास ये मैट्रिक्स आ गया, आई एक्स स्क्वायर, आई एक्स आई वाई, आई एक्स आई वाई और आई वाई, और यू वी, यू वी जो है वो मेरा वैसे ही साइड पे आ गया, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके मैंने कहा कि जो ये मेरा, मेरे पास मैट्रिक्स आया ना, ये मैट्रिक्स इसको मैं एम कह देता हूँ और ये जो वेक्टर है इसको मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। इस ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये मेरा मैट्रिक्स एम है और ये सिंपल डी है। तो आपका हमारा जो किसी एक डायरेक्शन में डिस्टेंस आएगा वो किस, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, डी एम डी ट्रांसपोज, ये डी है, ये डी का ट्रांसपोज है, डी डी का ट्रांसपोज और एम यहाँ पर वैसे का वैसे ही, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फार्मूला आया है मेरे पास, ये फार्मूला किस चीज़ का है, ये फार्मूला इसी चीज़ का है जो कि मैंने अभी, ये जो मैं काम मैं यहाँ पे कर रहा था, अब यहाँ पे मैं काम क्या कर रहा था, किसी एक डायरेक्शन में मैं विंडो को स्लाइड करता था और उसका पिछली विंडो के साथ जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो उस डायरेक्शन में कैलकुलेट करके रख लेता था। अगर थोड़ी सी अगर मैं रिवीजन करें, पिछली वीडियो में जाएं, तो हम क्या करते थे, एक डायरेक्शन में विंडो स्लाइड करते थे, ठीक है, और इस विंडो का पिछली विंडो के साथ डिस्टेंस निकाल लेते थे और डी वन कह देते थे कि जो डी वन है ये 0.1 डायरेक्शन में मेरे पास आ गया है। उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि मैथमेटिकली हम यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि इसको हमने मज़ीद समराइज़ करना हो तो ये मज़ीद समराइज़ हम किस तरह करेंगे। तो उसके लिए हमने इसके ऊपर टेलर सीरीज अप्लाई की और एट दी एंड जो है मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो एम मैट्रिक्स का आ गया। अब अगेन यहाँ पर डी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन वेक्टर है यू कोमा वी, यानी कि मैं यहाँ पे बारी बारी जीरो डायरेक्ट डायरेक्शन पुट करता जाऊँगा और मेरे पास इसका जो है वो आंसर आता रहेगा। अब मसला क्या है, मसला ये कि जैसे जैसे आप विंडो साइज़ को बड़ा करते जाते हो, आपकी डायरेक्शंस जो हैं वो, जिन डायरेक्शंस में आपने चेक करना होता है, डिस्टेंसेस कंप्यूट करने होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि 3x3 की विंडो के केस में आपके ये जो आपका डायरेक्शन थी वो कितनी थी टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शन थी, ठीक है। अब ये 5x5 की विंडो आप कर देंगे तो ये डायरेक्शन जो हैं वो 24 हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपना विंडो साइज बढ़ता बड़ा करते जाते हो, वैसे वैसे आपको ये डायरेक्शंस आपकी बढ़ती जाती हैं और आपके आपको हर डायरेक्शन के लिए जो है ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा और आपको जो है वो डिस्टेंसेज कंप्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। इस काम से बचने के लिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूला जो है हमने ड्राइव कर लिया, डी ट्रांसपोज एम डी, डी एम डी ट्रांसपोज, हम एक एम मैट्रिक्स फाइंड कर लें और इस फंक्शन का हम मिनिमम फाइंड कर लें। मिनिमम किस तरह फाइंड, अब देखा ना यहाँ पर अगेन डी वेक्टर आ रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी डायरेक्शन निकालनी पड़ेंगी और पुट करनी पड़ेंगी और यहाँ से मेरे पास डी आ जाएगा और उस डी को मैं अपने पास स्टोर कर लूँगा। और लेकिन अब जो इस तरह का फंक्शन है इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर अंदर जो ये एम मैट्रिक्स है ना, इस एम मैट्रिक्स की अगर मैं एस वी डी करूँ तो मेरे पास क्या आती हैं, आइगन वैल्यूज़ आती हैं। ये कुछ इस फॉर्म में आ जाता है, इधर आइगन वैल्यूज़ पड़ी होती हैं और यहाँ पर जो है आपके आइगन वैक्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब आपने हम करना क्या है, इस आइगन वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू है उसको आपने पकड़ लेना है, वही आपकी इस केस के अंदर जो है आपकी मिनिमम डायरेक्शन है, यानी कि इस फंक्शन का मिनिमम है। और यहाँ पे जो आइगन वेक्टर पड़ा होगा वो वाली डायरेक्शन है कि जो कि आपको जिस डायरेक्शन में मिनिमम आया है। अब ये सारा काम करने का फ़ायदा हमें क्यों हुआ, टेलर सीरीज हमने क्यों अप्लाई की, क्योंकि टेलर सीरीज से ये वाला जो फार्मूला था वो एक ऐसी फॉर्म में आ गया जिसका अगर हम मिनिमा फाइंड करें तो वो मिनिमा बड़ी आसानी से निकल आएगा। यानी कि अगर सपोज 100 डायरेक्शन है तो आपको बारी बारी 100 डायरेक्शन यहाँ पे पुट नहीं करनी पड़ेगी, आप जस्ट इस जो एम मैट्रिक्स है, इस एम मैट्रिक्स सिर्फ एक दफ़ा फाइंड कर लें और उस एम मैट्रिक्स को आप पे कर लें, एस वी डी कर लें और उसमें से जो आइगन वैल्यू है उसकी, जो मिनिमम आइगन वैल्यू वो उठा लें, वही आपके फंक्शन का मिनिमा है और उसके अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर आ रहा है वो आपका, जिस डायरेक्शन में आपका मिनिमम वैल्यू आई है वो आपके पास आ गया। तो एट द एंड आप करेंगे क्या, सिंपली एक पिक्सल पे बैठ के आप सिर्फ एम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले आपको हर पिक्सल के लिए हर डायरेक्शन में डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता था। पहले विंडो को इधर स्लाइड करते थे, डिस्टेंस निकालते थे, फिर इधर करते थे। अगर 3x3 की विंडो हो तो आप 8 डिस्टेंसेस निकालते थे, 8 डिस्टेंसेस में से जो
को थ्रेशोल्ड से कंपेयर करते थे, और फिर उनमें से जो मिनिमम होता था उसको आप अपने पास रख लेते थे। अब ये जो फंक्शन मैंने निकाला है, इस फंक्शन का फ़ायदा क्या हो गया मुझे? इस फंक्शन का फ़ायदा ये हुआ है कि अगर मेरे पास बेशक 8 डायरेक्शंस हों, बेशक 100 डायरेक्शंस हों, बेशक 1000 डायरेक्शंस में ट्रेवल्स करना हो, तो मुझे बार बार वो यूक्लिडियन डिस्टेंसेज वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट मैं इस एक उस पिक्सल पर बैठ के एम फाइंड कर लूँगा, और उस एम को इस्तेमाल करके मैं इसकी SVD करके आइगन वैल्यू निकाल लूँगा। वही इसके लिए, इस पिक्सल के लिए जो है वो मिनिमम होगा, जो कि तमाम डायरेक्शन से फाइंड करने के बाद मैंने निकालना था। ठीक है, अब ये जो एम है ये हमने किस तरह निकालना है, इसकी अगर अब एग्जांपल दी गई हो तो हमें किस तरह करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं।